国国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो सियाए को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। यह है हम सब का रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। सामिन, स्टूडियो बीजिंग, आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से सुन रहे हैं और मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामिन, अभी हाल ही में चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ने बताया कि सी पैक ने पाकिस्तानी अवाम के लिए 155,000 से जायद मुकामी मुलाजमतों के मौाक फराहम किए हैं। सी पैक का पाकिस्तान में फराहम रोजगार में क्या किरदार है, इस मौजू पर हमने बात की है जनाब खालिद तैमूर अकरम से। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान रिसर्च सेंटर फॉर अ कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर के, तो आइए खालिद तैमूर अकरम साहब की बातचीत सुनते हैं। जी खालिद तैमूर अकरम साहब, बेहद शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से बात करने का। और आज एक अहम मौजू पर आपकी आरा हम लेना चाहेंगे, सी पैक के तहत पाकिस्तान में रोजगार के मौके। और इस हवाले से अभी हाल ही में चीन के नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन ने यह बताया है कि सी पैक ने पाकिस्तानी अवाम के लिए 155,000 से जायद मुकामी मुलाजमतों के मौके पैदा किए हैं। तो आप चूंकि सी पैक के अमूर पर गहरी निगाह रखते हैं, तो हमारे सामीन को इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं चाइना रेडियो इंटरनेशनल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी चाइना रेडियो इंटरनेशनल से मैं बात करता हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उर्दू सर्विस है जो कि चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने शुरू की हुई है और पाकिस्तान में इसके लिसनर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सी पैक के हवाले से जो आपने बात की, ये जो फिगर जारी किए हैं चाइनीज गवर्नमेंट ने, मैं ये समझता हूं कि तादाद इससे कहीं ज्यादा है। वजह यह कि ये तो वो तादाद बताई गई है जो कि डायरेक्ट जॉब्स मिली हैं सी पैक के हवाले से लोगों को, लेकिन इसमें बहुत सारी इनडायरेक्ट जॉब्स भी हैं, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, जब उसमें एक तो डायरेक्ट जॉब होती है जिसमें स्किल्ड लेबर की और अनस्किल्ड लेबर की जॉब होती है, और कई इनडायरेक्ट जॉब्स होती हैं बिकॉज सरिये की इंडस्ट्री, समेट की इंडस्ट्री और भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, उस सब में जितने लोग काम कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली सी पैक के साथ जुड़े हुए हैं। सी पैक का एक जो मरहला अभी कम्प्लीट होने को है पाकिस्तान में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। और पिछले 10 साल में हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर अनस्किल्ड लेबर को और स्किल्ड लेबर को बहुत ज्यादा जॉब्स मिली, और वो ऐसा लेबर जो कि बिल्डिंगें बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम करता था, उनके लिए एक परमानेंट रोजगार सी पैक की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से पिछले 10 साल से रहा। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा पिछले 10 साल में पाकिस्तान में बढ़ी, जिसमें बहुत सारे नए होटल बने, जिसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने, जिसमें ये जो सी पैक की रूट है उसके साथ साथ जो आबादियां नहीं बनी हैं उसमें कमर्शियल एरियाज बने हैं, रेस्ट एरियाज बने हैं, और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ। सर, ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि आप अक्सर जामियात में नौजवानों से मुखातिब होते रहते हैं, तो पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रोजगार के क्या ऐसे मौके सामने आए हैं या फिर आ रहे हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? जी ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं बेल्ट एंड रोड के हवाले से और सी पैक के हवाले से बहुत ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करता रहता हूं पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों में, और जिस यूनिवर्सिटी में भी मैं जाता हूं वहां पर तलबा का एक ही मेरे से सवाल होता है जो कि हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन कॉमन होता है, वो ये होता है कि हमारे लिए सी पैक में क्या मौके हैं। तो मैं उनको समझाता हूं कि सी पैक के जो मौके हैं वो कोई शॉर्ट टर्म मौके नहीं है कि ये आज आपको जॉब मिलेगी और कल जॉब नहीं मिलेगी। सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर उसके इनिशियल फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, फिर उसके दूसरा फेज है सर्विसेज का, जिसमें जितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं उनमें सर्विस प्रोवाइडिंग का काम है, और उसके अलावा फिर आने वाले दिनों में ये सी पैक का रूट जो है ये इस्तेमाल होगा ट्रांजिट ट्रेड के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज और लैंड लॉक कंट्रीज के साथ, और ऑफकोर्स चाइना से भी ट्रेड इधर आएगी, और जो कि ये सारी ट्रेड ग्वादर और कराची पोर्ट के थ्रू
पूरी दुनिया में लिंक होगी और इंडियन ओशन का एक जो हमारे लैंड लॉक कंट्रीज हैं जो जिनका समुद्री रास्ता नहीं है वहां से कनेक्शन डेवलप होगा। तो इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के अलावा जो हमारे यूनिवर्सिटी के इस वक्त स्टूडेंट्स हैं जो कि आने वाले दिनों में हमारी एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स का हिस्सा होंगे और उसके अलावा आने वाले दौर में इस मुल्क की क्यादत में भी वो शामिल होंगे, तो उनके लिए इसमें बहुत सारे मौके हैं। आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत आगे जा रही है, सीपैक के तनाजर में अगर देखा जाए मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे जा रही है, सेल्स इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे जा रही है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अब आनी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, फिर फैक्ट्रियों के अंदर आपको पता है 100 किस्म की जॉब्स होती हैं जिसमें टेक्निकल जॉब्स भी होती हैं, जिसमें मैनेजेरियल जॉब भी होती हैं, लीगल जॉब्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं। वजह यह कि जितने भी कंपनी आएंगी ऑपरेट करेंगी इंटरनेशनली जाहिरी बात है उन्होंने अपना पेपर वर्क करना होगा और उनको एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत होगी, लीगल कवर की जरूरत होगी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये सीपैक किसी एक शोबे में जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहा, ये बहुत सारे शोबों में जॉब क्रिएट कर रहा है। यहां पर मैं एक ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब नंबर ऑफ जॉब्स को काउंट किया जाता है सीपैक के हवाले से तो जो डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रही हैं उनको तो अब बिल्कुल वो तो हमने काउंट कर दी है, लेकिन इनडायरेक्ट जॉब्स जो क्रिएट हो रही हैं जो कि बैक एंड होता है किसी भी इंडस्ट्री का, उसमें भी बेतहाशा जॉब इंक्रीज हो रही है, उसको भी अगर शामिल किया जाए तो बात लाखों और करोड़ों तक जाती है। और सर ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान में हमें ये भी देखने में आया है हालिया दिनों के हमारे पास जो हुनरमंद रोजगार के मौके हैं या फिर हुनरमंद नौजवानों के लिए जो रोजगार के मौके हैं उनकी क्या अहमियत है, बिलखसूस आज भी अगर हम देखते हैं आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि आज भी पाकिस्तानी नौजवानों की जो अक्सरियत है वो रवायती तालीम की जानिब उनका रुझान ज्यादा है, जबकि चीन में आप ये देखते हैं कि यहां पर ये जो स्किल्ड लेबर फोर्स है इसकी भी इस जानिब भी तवज्जो दी जाती है। जी ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। पाकिस्तान के अंदर भी अब तालीम के डिफरेंट रुझान आगे हुए हैं। मैं सिर्फ अगर मीडिया के हवाले से आपको बताऊं तो पहले किसी जमाने में पाकिस्तान में बैचलर्स और मास्टर्स सिर्फ मीडिया स्टडीज में होता था, लेकिन अब आपको सुनकर ये बड़ी खुशी होगी कि हमारी जो बड़ी जामियात हैं जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी और बाकी बड़ी जामियात हैं उनके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बैचलर्स और मास्टर्स हो रहे हैं, उनके अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर भी बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी लोग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी अब एजुकेशन एक उस लेवल पे चली गई हुई है कि जहां पे स्टूडेंट्स को बेतहाशा सब्जेक्ट्स और बेतहाशा च्वाइस अवेलेबल है। तो उस लिहाज से मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी दुनिया के बड़े मुल्क की एजुकेशन जो उन बड़े मुल्कों में एजुकेशन दी जा रही है उसमें पीछे नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क में भी हर किस्म की एजुकेशन दी जा रही है। जहां तक आप स्किल्ड मैन पावर की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, एक ईंटे बनाने वाला भी शायद स्किल्ड लेबर में आएगा और एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी स्किल्ड लेबर में आएगा। तो बेसिकली स्किल्ड मैन पावर की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, एक वो कैटेगरी है जो सर्विस प्रोवाइडर है, एक वो कैटेगरी है जो इंडस्ट्री में काम करती है या करेगी, और एक वो कैटेगरी है जो कि मैनेजेरियल पोजीशंस में काम कर रही है या करेगी। तो स्किल्ड मैन पावर हमारे मुल्क में बहुत बढ़ती जा रही है, वजह यह कि हमारे मुल्क में तालीम का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, स्पेशली रूरल एरियाज में यूनिवर्सिटियों का एक जाल बिछ गया हुआ है और तकरीबन हर जिला लेवल पे यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। सही, और ये भी आपसे सर पूछना चाहूंगा क्योंकि चीन टेक्नोलॉजी के एतबार से दुनिया का एक बड़ा मुल्क है और हालिया दिनों ये जो तकनीकी जहते हैं इसमें भी मुसलसल तरक्की होती जा रही है, तो एक ऐसे वक्त में जब सीपैक की तामीर भी जारी है तो दोनों ममालिक के दरमियान ये जो तकनीकी तबादले हैं और फिर तकनीकी अफरादी वसाइल की जो तरक्की है इसमें तावुन के क्या इम्कान हैं? जी ये तो बिल्कुल इसमें तो कोई दाव राय नहीं है कि इस वक्त टेक्निकली एतबार से चीन जो है वो दुनिया में तकरीबन सबसे आगे है। 5G की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस सबसे पहले चीन ने कराया और उसके टेस्ट एंड ट्रायल जितने भी हुए वो चीन ने किए। बेशक स्पेस टेक्नोलॉजी हो, बेशक आईटी हो, बेशक किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी हो, तो हम ये देखते हैं कि चीन
उसमें सबसे ज्यादा आगे है, और पाकिस्तान क्योंकि चीन के बिल्कुल नेबरहुड में है और पाकिस्तान चीन की दोस्ती भी आपको पता है बड़ी लाजवाल है और आयरन ब्रदर्स की तरह है, तो पाकिस्तान जरूर इस चीज से फायदा उठाएगा। पाकिस्तान इस चीज से फायदा उठा रहा है, बल्कि हमारे लिए तो ये बड़ी एक फॉर्चुनेट बात है कि इतनी जो एक रेवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी के अंदर, वो हासिल करने के लिए हमें कोई सात समुंदर पार नहीं जाना पड़ता। हम तो बिल्कुल हमारे हमसाया मुल्क के अंदर ये चीज अवेलेबल है। सही। और सर, चूंकि जामियात की बात हुई और आप मुख्तलिफ सेमिनार्स में भी जाते रहते हैं, तो वो नौजवान जो इस वक्त आपकी आवाज सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि सी पैक से क्या ऐसे नए मौके सामने आ रहे हैं, या फिर अगर यूं कहता चलूं कि किन नए शोबाजात की जानिब उन्हें अब तवज्जो देने की जरूरत है ताकि सी पैक से जो कल आने वाले मौके हैं उससे फायदा उठा सके। जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरा इसके अंदर ये पैगाम होगा कि जो हमारी रवायती तालीम है, जिस तरह बच्चा जब यूनिवर्सिटी में जाता है वो कहता है जी मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने इंजीनियर बनना है, तो उस हवाले से मेरी तो यही एडवाइस होगी कि सबसे पहले तो ये देखा जाए कि सीपैक अभी किस मरहले में है। सीपैक जो है अब उस मरहले में है जो एग्जीक्यूशन फेज में आ गया हुआ है, जिसमें हमारी ट्रांजिट ट्रेड होनी है, जिसमें ट्रेड होनी है, जिसमें सीपैक रूट के ऊपर जिसमें इंडस्ट्री लगेगी, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो उन सबको हैंडल करने के लिए हमें ये देखना है कि क्या हमारी यूथ उस तरह तैयार है, क्या हम उस लेवल के ऊपर हमारी एजुकेशन है, क्या हम अपनी यूथ को सॉफ्ट स्किल्स समझा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक डिग्री लेना मास्टर्स की या बैचलर्स की आजकल वो काफी नहीं है। आजकल आपको तकरीबन हर फन मौला होना पड़ता है, आपको आईटी की भी समझ होनी चाहिए, आपको इंडस्ट्री की भी समझ होनी चाहिए, आपको इंटरनेशनल डायनेमिक्स की भी समझ होनी चाहिए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की भी समझ होनी चाहिए। वजह यह कि अगर सीपैक के हवाले से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल की किसी कोई भी इंडस्ट्री कायम करनी है तो इंटरनेशनल क्वालिटी रिजीम्स को हमें स्टडी करना पड़ेगा और हमें पाकिस्तान के अंदर उनको एडॉप्ट भी करना पड़ेगा। सही। आपसे बातचीत के सर आखिरी हिस्से में हम, और 30,000 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा इस वक्त चीनी जामियात में जेर तालीम है। जाहिर है इन नौजवानों का मुस्तकबिल भी सी पैक से नुमाया हद तक जुड़ा हुआ है। इनके लिए एक तो पाकिस्तानी नौजवानों की आपने बात की, ये जो नौजवान चीन में जेर तालीम है उनके लिए क्या मौके सामने आ रहे? जी, मैं ये बताता चलूं कि मेरे बहुत ज्यादा तलबात से राबता रहता है जो कि चीन से एजुकेशन हासिल करके आए हैं। ये बात आपको मैं बताता चलूं कि चीन की जो एजुकेशन है वो किसी भी लिहाज से दुनिया में किसी तरह से भी कमतर नहीं है। चीन की एजुकेशन की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी हाई है कि जो भी लोग चीन से तालीम करके वापस पाकिस्तान आए हैं वो बड़ी हाई पोजीशंस पे एम्प्लॉय होते हैं। बेशक वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, बेशक सोशल साइंसेज की तालीम हो, बेशक एग्रीकल्चर से रिलेटेड तालीम हो या टेक्निकल किस्म की तालीम हो, तो चीन की जो तालीम है वो किसी से कम नहीं है। और अभी तक मेरे मुशाहदे में जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं या मेरी जिससे भी बात हुई है उन्होंने तारीफ ही की है चीन के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। तो मैं जो लोग उधर पाकिस्तानी तालीम हासिल कर रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जब वो उधर तालीम हासिल करते हैं वो पाकिस्तान आए और यहां पे ना सिर्फ अपनी यूथ को चीनी मॉडल के मुतल्लिक बताएं और उनको तैयार करें, बल्कि वो जो उधर पढ़ के आए हैं उसको प्रैक्टिकली पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और आई एम श्योर के जो चीनी मॉडल है वो एक ऐसा मॉडल है जो कि चीन को इतना तरक्की की राह पे लेके गया, और वही मॉडल अगर तरक्की का पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि आने वाले दिनों में और माह साल में पाकिस्तान भी एक बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन जाए। सही। और सर, चूंकि आपसे जब भी बात होती है बेल्ट एंड रोड से मुतल्लिक बात होती है, सीपैक से मुतल्लिक बात होती है, दोनों की 10वीं सालगिरह है, तो आपसे ये भी जरूर पूछना चाहूंगा कि मजमूई तौर पर ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और सीपैक इसका फ्लैगशिप मनसूबा है, सीपैक की तकमील बेल्ट एंड रोड की तकमील में किस कदर अहम है? जी, सीपैक के बारे में मैं आपको एक बात ये बताता चलूं कि सीपैक बेल्ट एंड रोड के जो ओवरऑल 6 कॉरिडोर्स हैं उसका एक फ्लैगशिप कॉरिडोर है, लेकिन उसका एक हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड के हवाले से मेरा चक्कर लगता रहता है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, खासतौर पर मैंने सेंट्रल एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाके मुशाहिदा किया, फिर मैंने ईस्ट एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाके मुशाहिदा किया, फिर मैंने ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक में जाके बेल्ट एंड रोड
جو پروجیکٹس کا مشاہدہ کیا تو جو سی پیک ہے وہ ایک بڑی ٹھیک پیس پہ جا رہا ہے اور اوور آل اگر بیلٹن روڈ کے حوالے سے بیلٹن روڈ کے 10 سال اس سال میں جو پورے ہو رہے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% کام جو ہے 70 سے 80% کام انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا وہ ہو چکا ہے. بیلٹ اینڈ روڈ بیسیکلی کیا ہے؟ بیلٹ اینڈ روڈ بیسیکلی ایک پوری دنیا کے اندر ایک ٹرانزٹ روٹ ہے. اب اس روٹ کے اوپر سیکنڈ فیز کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ٹریڈ شروع ہوگی, کلچرل ایکسچینج ہوگا. تو اس سلسلے میں لوگوں کو جو سامعین ہیں ان کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بیلٹ اینڈ روڈ کے بارے میں پڑھیں تو اس کے بعد کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے کانسیپٹ کے بارے میں بھی ضرور پڑھیں, اس کے بعد گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹوز کے بارے میں پڑھیں, گلوبل سیکیورٹی انیشیٹوز کے بارے میں پڑھیں. تو یہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے بڑے سسٹمیٹک آئیڈیاز دنیا کے آگے رکھے ہیں کہ جس میں سب کے لیے ون ون سچویشن ہے, کہ ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ ایک گائیڈ لائن دے رہی ہے کہ یہ ایک سڑک تو بن گئی, یہ بیلٹ بھی بن گئی, روڈ بھی بن گئی اور ریل کا بھی انفراسٹرکچر بن گیا, لیکن اس کے اوپر ایک ون ون سچویشن ہر ایک کے لیے کیسے بن سکتی ہے. چین کے حوالے سے میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ تاثر انتہائی غلط ہے کہ چین کسی ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے یا چین بیلٹ اینڈ روڈ کے ذریعے ملکوں کو اپنے زیر سایہ کرنا چاہتا ہے. چین کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور پچھلے 10 سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چین نے ہر ملک کی سوورینٹی کی رسپیکٹ کی ہے اور چین نے ہر ملک کے کلچر کی رسپیکٹ کی ہے اور چینی جہاں جہاں گئے ہیں وہاں کے لوکل لاس کو انہوں نے پوری طرح امپلیمنٹ کیا ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کانسیپٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا جو کانسیپٹ. صحیح. آخر میں سر آپ سے دو اہم پیش رفت ان دنوں ہوئی, ایک تو چین کا ملکی سطح پر تیار کردہ مسافر جہاز C919 نے کمرشل پروازوں کا آغاز کیا, اور دوسری پیش رفت ہے چین کا انسان بردار خلائی مشن کامیابی سے خلا کی جانب روانہ ہوا. تو یہ جو خلا کی تسخیر کا شعبہ ہے, پھر شعبہ ہوا بازی ہے, اس میں چین کی یہ جو قابل ذکر کامیابیاں ہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, اس میں میں سب سے پہلے پریزیڈنٹ شی جی پنگ کو, گورنمنٹ آف چائنا کو اور چین کے سارے عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا, بیکاز کمرشل ایئر کرافٹ بنانا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عام نہیں ہے. اس سے پہلے یورپ اور امریکہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی. ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب سے ہوا بازی کا آغاز ہوا ہم بوئنگ کا نام سنتے آئے ہیں, ہم ایئر بس کا نام سنتے آئے ہیں, اور یہی دو بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ طیارہ ساز کمپنیاں تھیں دنیا کے اندر. اور چین نے جو مسافر بردار طیارہ بنایا ہے وہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو مغربی ممالک کی اس کے اوپر ایک اپر ایج تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور جب چین اس طیارے کی ماس پروڈکشن کرے گا, ابھی ہم نے دیکھا کہ شنگھائی سے طیارہ اڑ کے شاید بیجنگ کی طرف آیا اور وہاں پہ اس نے بڑی سیف لینڈنگ کی اور 130 مسافر جہاز کے اندر تھے, اس کو میں فالو کرتا رہا اور پھر مسافروں کے تاثرات بھی میں نے پڑھے اور ساتھ اس طیارے کی جو ٹیکنیکل رپورٹس ایشو کی گئیں وہ بھی میں نے پڑھی, اور چین اس کے اوپر مبارکباد کا مستحق ہے. اور جہاں تک خلائی سفر کی بات ہے تو میزائل ٹیکنالوجی میں سے لے کے تو خلابازی تک ہر جگہ پہ چین نے اپنا لوہا